आप देख रहे हैं विनायक न्यूज मध्य प्रदेश, सच की ओर। कुछ नादानी के काम कुछ डॉक्टरों ने किया भी है शर्मिंदा। याद रहे, प्रशासनिक नियमों में रहना है, नगर शहर ग्रामों की सुरक्षा हम सभी को करना है। पूरे प्रदेश में जगह जगह जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर आरोपों की झड़ी लगी है, पर मेरा मानना ऐसा है कि वहाँ भी इंसान है, सभी एक जैसे नहीं होते। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी संक्रमण की, जहां पर प्रदेश के अनेकों जिले में कोरोना महामारी की चपेट में आए नागरिक परेशान भी हो रहे हैं, स्वस्थ भी हुए हैं और कुछ परिवारों के सदस्य उन्हें छोड़कर बीमारी में दूर हो गए हैं, ईश्वर के पास वह चले गए हैं। शायद पुरानी परंपरा में एक बात लिखी है, जिस व्यक्ति की उम्र जितनी होती है शायद यही सच हो, लेकिन इस महामारी में नागरिकों ने नादानी करके कोरोना महामारी संक्रमण को निमंत्रण दिया है। बड़े बड़े नग हुए हैं जिसके कारण वायरस संक्रमण शहर नगर से ग्राम तक पहुंचा। हम बात कर रहे हैं इलाज की, तो ऐसे डॉक्टर भी विगत दिनों में सामने देख हिटलर शाही रवैये भी अपनाया, पैसे के लिए रात दिन अपनी रखी और अभी भी चल रहा है। गरीब आम नागरिकों को समाजसेवियों को परेशान किया, लेकिन वह भी याद रखें, आपने मानवता को परेशान किया है, आपको भी ईश्वर परेशान करेगा। हमने ऐसे डॉक्टर भी देखे जिन्होंने अपनी जान की बाजी खेलकर सेवाएं देकर मरीजों को ठीक करने में अपना बड़ा योगदान दिया। ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी नर्स जिन्होंने रात दिन अपनी सेवाएं देकर मानवता की मिसाल कायम की, सच में ऐसे कोरोना योद्धाओं को मैं सलाम करता हूँ। पर कुछ याद रखने वाली बात है, जिला कलेक्टर के नियम माने, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, जरूरतमंद अगर आपके पास आता है तो उसकी बात सुनकर उसका सहयोग जरूर करें। पुलिस प्रशासन अपनी वर्दी को लेकर जागरूक रहें, क्योंकि उनकी दिशा निर्देश ही नागरिकों को ज्यादा जागरूक बनाते हैं, लगातार उनकी सेवाओं को भी हम नमन करते हैं। समस्त प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी आज कोरोना महामारी में निभा रहे हैं, विनायक न्यूज मध्य प्रदेश उनको उनके साहसी काम को सलाम करता है। प्यारे साथियों, रात है, सवेरा भी होगा, मिलकर सहयोग से नगर शहर ग्रामों की रक्षा सुरक्षा करना अब आपके और हमारे हाथ में है। हर गलत चीज का विरोध करो और हर सही चीज का सपोर्ट करो, यही आज सबसे बड़ी हमारी समझदारी है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, प्रशासनिक नियम में रहें। नरसिंहपुर जिले से विनोद चौकसे की खास खबर।